हेलो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज में आपका आज फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कि आप कैसे एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। तो उसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं आजकल मार्केटिंग का तरीका वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया है। ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग का तरीका है वो अब पुराना हो गया, अब नया तरीका डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, जैसे मार्केटिंग का नया तरीका आ गया है, वैसे ही जो कंपनीज हैं वो भी अपनी प्रॉफिट का काफ़ी अच्छा हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग में खर्च कर रही हैं ताकि उनकी कंपनी की ऑनलाइन विजिबिलिटी इम्प्रूव हो सके, लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। और इसीलिए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की लगातार बढ़ती जा रही है जॉब डिजिटल मार्केटिंग की जॉब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज यही मैं आपको बताऊंगा। और ये जानने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आप अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। खासकर मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जिनको नौकरी करना पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस करें। तो दोस्तों, आप इसमें फुल टाइम एज अ फ्रीलांस आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिटेशंस ऑफ मेकिंग मनी इन डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों क्यों? क्योंकि इसमें जितने आपके अंदर स्किल्स हैं, जितने आपके अंदर एक्सपीरियंस है, उतना ही आप इसमें अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़रूरी है। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन पाएंगे और एक अच्छे इनकम को आप अर्न करने पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो वो पॉइंट्स आपको आना बहुत ज़रूरी है एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। दोस्तों, तो ध्यान से सुने इन सारे पॉइंट्स के बारे में। और सबसे पहला जो पॉइंट है, इसके हम साथ हम शुरू करेंगे, जानेंगे नो द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले दोस्तों, एज अ बिगिनर अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कौन कौन से ऑनलाइन तरीके हैं जहां पर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, तो पहले जो पॉइंट, नो द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक्स पता होना। दोस्तों, कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यदि बेसिक्स यदि हमने अच्छे से समझा है तो हम उसमें अच्छा कर पाएंगे, यानी मिस्टेक्स नहीं होंगे हमसे। दूसरा दोस्तों, बात करेंगे स्टार्ट जॉब एज एन इंटर्न। और जब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में पता चल जाता है तो यू मस्ट स्टार्ट अ जॉब एज एन इंटर्न। तो आपको एक इंटर्न के तौर पे जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक एज एन इंटर्न जॉब करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकली तरीके से कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको प्रोसेस में लाना है, डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकल में कैसे करना है। क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपको पता चल गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। जितना अच्छा आप उसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। और आपकी जो जॉब एज एन इंटर्न आप शुरू करेंगे, उसमें आप जानेंगे टूल्स के बारे में, SEO के टूल्स, फ्री टूल्स कौन से हैं, पेड टूल्स कौन से हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, क्या उनका फीचर है, क्या उनकी कॉस्ट है,
ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे एज ए इंटर्न जब आप इसमें जॉब करेंगे दोस्तों। तो यह है दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है, बिकम एन SEO एक्सपर्ट। तो दोस्तों जब आप इनके चीज़ों के बारे में आपको मालूम चलेगा तो आपको फिर क्या बनना है, एक SEO एक्सपर्ट बनना है, उस लेवल पे जाना है अपनी एक्सपीरियंस को लेके, उस अपनी नॉलेज को लेके। जब आपको सारी चीज़ों के बारे में मालूम होगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, तो आप क्या बन पाएंगे, उस आपके अंदर स्किल्स आएंगे समय के हिसाब से और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो एक एक्सपर्ट बनना होगा। एक्सपर्ट कैसे बनेंगे दोस्तों, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या बनेंगे, एक्सपर्ट बन पाएंगे। आपको सारे स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सारे स्किल्स के बारे में पता होगा, सारे प्रोसेस के बारे में पता होगा, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ को आपको जानना है, तीसरे स्टेप में जानना है, ताकि आप SEO एक्सपर्ट बन पाएं। दोस्तों चौथा पॉइंट है, गेट अ गूगल एड सर्टिफिकेशन। आपको गूगल एड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, गूगल एड्स क्या है। गूगल एड्स है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, जहाँ पेड प्रमोशन के थ्रू आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इसको कहते हैं गूगल एड सर्टिफिकेशन। इसमें आपको पता चलेगा कि गूगल पे ऐड कैसे रन करते हैं, बजट को कैसे डिसाइड करना है, कैसे यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए आपको गूगल ऐड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको गूगल ऐड में मालूम चलेंगी, तो इसे कहते हैं गूगल ऐड सर्टिफिकेशन। और जब आप इसके बारे में जान जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा सारे चीज़ों के बारे में, कैसे करना है एड्स को, कैसे चलाना है, किन प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, किन ऑडियंस को दिखना चाहिए, टारगेट ऑडियंस किस लोकेशन में दिखाना है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, तो यू विल बी अ सर्टिफाइड गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पांचवा, हम जानेंगे मास्टर फेसबुक एड्स एडवर्टाइजिंग। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़े लेवल पे लोग यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, और लोगों में ये बहुत कॉमन है सोशल मीडिया। लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितनी भी सोशल साइट्स हैं सब लोग यूज़ करते हैं, सबको इनके बारे में क्या है मालूम है। तो फेसबुक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपको वहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि फेसबुक हर सब फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पे ऑडियंस, नंबर ऑफ ऑडियंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, फेसबुक पे पेड कैंपेन कैसे चलाते हैं, कैसे सोशल नेटवर्क साइट को कैसे वो काम करती हैं, ये आपको सीखना है, ताकि आप सोशल साइट्स पे अपने ऑडियंस को कैसे रीच कर सकें, कैसे उन तक पहुंच सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे उन तक पहुंचा सकें गूगल एड्स उस पे, फेसबुक एड्स कैसे चला सकते हैं, कैसे चलाना है एड्स को, ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। और ये जानेंगे आप फेसबुक एड्स के थ्रू जब आप उसमें ऐड चलाएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, बिकम एन एक्सपर्ट इन गूगल एनालिटिक्स। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का टूल है, एक डिजिटल मार्केटिंग का टूल है, जिसको हम यूज़ करते हैं कि आपके जो कैंपेन है, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, आपका कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपके कैंपेन से कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, या आपकी ऑडियंस कहाँ से आपके कैंपेन को देख रही है, और कितने लोग वहाँ से कितना कन्वर्जन क्रिएट हो रहा है, ये सारे जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं, गूगल एनालिटिक्स इज बेसिकली अ ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ गूगल, जहाँ पर आप पूरा ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, लोकेशंस, हर चीज़ को आप मालूम कर सकते हैं। तो इट इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और तो लास्ट में हम बात करेंगे गूगल अपडेट्स के बारे में। दोस्तों SEO में अगर आपको सक्सेस करियर बनाना है, तो आपको गूगल अपडेट्स के बारे में, गूगल के एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से ये मार्केट, इसकी टेक्निक
चेंज होती रहती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निक्स समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को भी चेंज करना है, अपनी मार्केटिंग की टेक्निक को भी चेंज करना है। दोस्तों, SEO में मेन चीज़ है, इसमें हमें हमेशा सीखना होता है, क्योंकि इसमें गूगल के डेली अपडेट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से हमें डेली सीखना होता है, अपने आप को कैपेबल बनाना, अपने आप को इम्प्रूव करना होता है चीज़ों के हिसाब से, कि आज नया तरीका क्या है, जो तरीका हम पहले करते थे अब वो बंद हो चुका है, नए तरीका आ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नया तरीका कौन सा है, कि उसके हिसाब से हमें अपने काम को, अपने वर्क को चेंज करना है, ताकि अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों आप, इसके लिए आपको लगातार हर दिन आपको गूगल के अपडेट के बारे में पढ़ना होगा और पता करना होगा कि आज ट्रेंडिंग में क्या है, किस चीज़ को आपको नहीं करना है, किस चीज़ को आपको करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।